टुडे वी विल डिस्कस सम क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.5। लास्ट वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे एक्सरसाइज के, तो बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में भी डिविजिबल वाला क्वेश्चन किया, हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मल्टीपल वाला। सेम एज इट इज है, कोई भी चेंज नहीं है। इसमें हमने क्या शो करना है, n n + 1 n + 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, इसको 3 का मल्टीपल शो करना है। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे देखते हैं। पुट n = 1, n = 1 क्या आएगा, 1 1 + 1 और 1 प्लस 5, तो क्या आएगा 1, 1 प्लस 1 क्या आएगा 2, 1 प्लस 5 क्या आएगा 6, कितना आ गया 12। तो 12 क्या इंडिकेट कर रहा है, 3 से मल्टीपल ऑफ 3, किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। उसके बाद स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, n = k पुट कर देंगे और यहां पे ऐड कर देंगे कि n = k के लिए ट्रू है, और जहां पे k किससे ट्रू होता है, एज नंबर से ट्रू है। आपको बताया था मैंने कुछ क्वेश्चंस में, तो n के प्लेस पे क्या आएगा, k k k plus 1 और k plus 5 is a multiple of 3, 3 का multiple show कर, that means 3 m आजिए। हमारे में मैं कह रहा हूँ कि 15 3 का multiple है, तो 15 को मैं ऐसे सकता हूँ 3 into में 5, क्योंकि मुझे 5 एक particular digit पता था कि 5 पे ही multiple होगा, but यहाँ पर मुझे ये पता कि ये statement किस number के लिए multiple है, तो मैंने उस number को क्या add कर लिया, m add कर लिया कि m number के ऊपर वो multiple है। उसको first step में क्या करेंगे, n is equal to k plus 1, तो n के प्लेस पे क्या आ जाएगा k plus 1 और n के प्लेस पे क्या आ जाएगा k plus 1 plus 1 और n plus 5 के प्लेस पे क्या आएगा k plus 1 plus 5। अब मुझे इस स्टेटमेंट को ऐसे सॉल्व करना है कि पूरी स्टेटमेंट के बाहर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, क्योंकि मुझे 3 का मल्टीप्लाई शो करना है। तो देखते हैं क्या आएगा, k plus 1 क्या आएगा, k plus 2 और यहां से क्या आ जाएगा k plus 6। अब मुझे इस स्टेटमेंट को ऐसे सॉल्व करने की सेकंड स्टेप का यूज हो जाए इसके अंदर। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से क्या आएगा k plus 1 और k plus 2 और k plus 6 को लिख सकते हैं k plus 5 plus 1 के, यहां से देखेंगे इसको, हमने k plus 6 को ले लिया k plus 5 plus 1, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे थर्ड स्टेप में यूनिट स्टेटमेंट बनानी है। मुझे क्या बनाना है, k plus 1 बनाना है, k plus 1 भी है, k plus 5 बनाना है, k plus 5 भी है। अब मुझे k भी चाहिए, k देखते कैसे आएगा, k plus 5 plus 1, अब देखते कैसे आएगा। तो मुझे सबसे पहले ये स्टेटमेंट बनानी है, तो क्या करेंगे, k plus 1 k plus 5 plus 1 into में k plus 2, इसमें इस स्टेटमेंट को मैंने पहले लिख दिया, स्टेटमेंट को बाद में लिख दिया। अब मुझे क्या बताना है, k plus 1 k plus 5 आने वाले, इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आएगा k plus 1 into में k plus 5, फिर k plus 1 को 1 से करूंगा, क्या आएगा k plus 1 आ जाएगा। मैंने क्या किया, k plus 1 को k plus 5 से किया, k plus 1 into में k plus 5 आ गया, फिर k plus 1 को मैंने 1 से किया, k plus 1 आ गया। अब इस पूरी स्टेटमेंट को मल्टीप्लाई करना है किससे, k plus 2 से, और मुझे ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि मुझे ये बनाने ही बनाना है, ये नंबर बनाने ही बनाना है, के k plus 1 k plus 5। अब इस k को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, क्या आएगा k k plus 1 k plus 5, फिर इस नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा k से, क्या आएगा k k plus 1, फिर पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्या आएगा 2 k plus 1 k plus 5, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 2 into में k plus 1। दोबारा देखते हैं क्या किया, इस पूरी स्टेटमेंट को मैंने पहले इससे मल्टीप्लाई किया, k से मल्टीप्लाई किया, फिर इस पूरी स्टेटमेंट को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये रहा, फिर इस पूरी स्टेटमेंट, फिर k plus 1 को k से किया, ये आ गया, फिर k plus 1 को 2 से किया, ये आ गया। मतलब इसके अंदर 4 टर्म्स थी, एक ये टर्म हमने कंक्लूड करी, एक ये टर्म हमने कंक्लूड करी, एक ये होगी, एक ये होगी। इस स्टेटमेंट को मैंने मल्टीप्लाई किया, k से लिया गया, फिर k plus 1 को k से किया, k plus 1 k आ गया, फिर स्टेटमेंट को 2 से किया, ये आ गया, फिर k plus 1 को 2 से किया, ये सामने। अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप को यूज करेंगे, सेकंड स्टेप में क्या है, k k plus 1 k plus 5, तो उसके प्लेस पे क्या आ जाएगा 3m आ गया, मतलब इसके प्लेस पे क्या आएगा 3m आ गया। अब देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, That is k plus 1, और क्या रह जाएगा इधर देखते हैं, k plus 1 बाहर आ गया, क्या आएगा 2 k plus 5, और ये k plus 1 भी बाहर चलेगा, क्या बचेगा, That is 2। अब मुझे इस क्वेश्चन सॉल्व करना है कि इस पूरे के बाहर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, इसलिए डिविजिबल वाला क्वेश्चन अपने किया था, क्या आएगा 3m plus k plus
क्या आएगा 2k प्लस एन प्लस 2 क्या आएगा देखिए 3m प्लस k प्लस 1 अब k प्लस 2k दैट इज 3k और n प्लस 2 दैट इज 12 अब यहां से क्या को बना रहा है 3 को बना रहा है जब 3 को बनेंगे तो क्या आएगा k प्लस 4 आ जाएगा इस पूरे स्टेटमेंट से क्या को बना रहा है 3 को बना रहा है और हमें वही 3 बाहर चाहिए तो क्या आएगा m प्लस k प्लस 1 और k प्लस 4 हमें 3 बाहर चाहिए तो 3 क्या इंडिकेट कर रहा है इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 ओके दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को हमने इसमें क्या किया पहले n के प्लेस पे 1 पुट किया वो करोगे आप लोग k पुट किया उस पे 3 का मल्टीपल शो हो गया फिर n के प्लेस पे k प्लस 1 पुट कर दिया हमने और हमने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया कि मुझे ये स्टेटमेंट बनाना है ताकि हम 3m का यूज कर सकें तो मैंने क्या किया पहले मैंने k प्लस 1 ऐड कर दिया k प्लस 2 k प्लस 6 को लिख दिया मैंने k प्लस 5 प्लस 1 फिर मुझे इस तरह का पेयर बनाना है तो मैंने क्या किया k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 5 प्लस 1 इन दोनों स्टेटमेंट को इकट्ठे लिख दिया क्यों लिखा ताकि k प्लस 1 इनटू k प्लस 5 बन जाए तो यहां पे क्या आ गया k प्लस 1 k प्लस 5 प्लस 1 k प्लस 2 तो उसके बाद मैंने क्या किया इस k प्लस 1 को k प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर दिया इस k प्लस 1 को मैंने फिर k 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जब k प्लस 1 को k प्लस 5 से करूंगा तो क्या आएगा k प्लस 1 इनटू k प्लस 5 जब k प्लस 1 को 1 से करूंगा तो क्या आएगा दैट इज k प्लस 1 आएगा और यहां पे k प्लस 2 एज इट इज फिर क्या किया मैंने इस k को इसके साथ मल्टीप्लाई किया फिर k को k प्लस 1 के साथ किया 2 को इसके साथ किया 2 को k प्लस 1 के साथ किया और फिर हमने क्या किया इस पूरी स्टेटमेंट के प्लेस पे क्या आ गया 3m आ गया कहां से आया यूजिंग स्टेप 2 इसमें हमने स्टेप 2 का यूज किया इसके प्लेस पे 3m आ गया और यहां से क्या को बना रहा था हमारा k प्लस 1 को बना रहा था क्या आ जाएगा k 2 k प्लस 5 प्लस 2 आगे हमने इसको सॉल्व किया सॉल्व करने के बाद यहां से भी 3 को बना रहा था तो पूरी टर्म्स में से हमने 3 कॉमन ले लिया और 3 कॉमन लेने का मतलब ये शो हो रहा है कि ये स्टेटमेंट इसका मल्टीपल है 3 का मल्टीपल है ओके दिस इज द क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ एक्सरसाइज 4.1 इसमें क्या बता रहा है कि स्टेटमेंट एक्सरसाइज टाइप का डिविजिबल है तो क्या आएगा स्टेप 1 put n is equal to 1 तो क्या आएगा x की पावर 2 और n के प्लेस पे क्या आएगा 1 माइनस y की पावर 2 और n के प्लेस पे क्या आएगा 1 क्या आएगा x square minus y square x square minus y square को लिख सकता हूँ x plus y into x minus y तो इससे क्या पता लगा कि is divided by x plus y ऐसे कैसे पता लगा मान लो मैं कह रहा हूँ कि 16 मुझे चेक करना है कि 8 का मल्टीपल है या नहीं तो मैं 16 को ऐसे लिख सकता हूँ 8 into 2 तो इससे पता लग गया कि 8 का ये मल्टीपल है क्योंकि 16 को मैं 16 को इशू करते हैं कि 8 का मल्टीपल है या नहीं 16 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 8 into 2 तो ये 8 इंडिकेट कर रहा है कि वो 8 का मल्टीपल है तो यहां पे भी x plus 5 साथ में मल्टीप्लाई में तो इससे शो कर पता लगा कि x plus 5 का मल्टीपल है कि x plus 5 से डिवाइड हो जब इस स्टेटमेंट को x plus 5 से डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा x plus 5 से x plus 5 कट जाएगा क्या बचेगा x minus y बचेगा फिर step 2 n के प्लेस में क्या आ जाएगा क्या आ जाएगा तो क्या है x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k इज डिविजिबल बाय x plus y शो करते हैं तो क्या आएगा x plus y इनटू में n आ जाएगा फिर जैसे मैं लास्ट क्वेश्चन में भी कह रहा था कि इसका डिविजिबल शो करना है मान लो मैं कह रहा हूं कि 24 3 का 24 को 3 डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड करके कोई ना कोई डिजिट आएगा कोई ना कोई नंबर आएगा जो हमें पता है बट यहां पे ये नहीं पता कि इसको डिवाइड करके क्या आएगा तो मैंने ये लिख दिया कि ये स्टेटमेंट जो अगर x plus y से डिवाइड होगी तो क्या आएगा m आएगा फिर बाद में इसका ऐसे ले सकता हूं x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k इज इक्वल टू x plus y इनटू में n तो इससे पता लगा कि x plus y से स्टेटमेंट डिवाइड होने पे क्या आ रहा है m आता क्लियर अब थर्ड स्टेप क्या करेंगे put n is equal to k plus 1 तो क्या आ जाएगा x की पावर 2n था हमारा n के प्लेस पे क्या आएगा k plus 1 minus y के पावर n के प्लेस पे क्या आएगा k plus 1 अब इसको सॉल्व कर लेंगे क्या आएगा x की पावर 2k plus 2 minus y के पावर 2k plus 2 अब मुझे क्या करना है थर्ड स्टेप के अंदर सेकंड स्टेप का यूज करना है सेकंड स्टेप हमारा क्या था x की पावर 2k minus y के पावर 2k तो क्या करेंगे यहां से इसको ओपन कर देंगे into y square तो मुझे x की पावर 2k
तीन यहाँ से एलिमेंट निकालनी पड़ेगी। किसी बची के लिए निकाल सकते माइनस फाइव की पावर टू के लिए निकालो, एक्स की पावर टू के लिए निकालो। एक्स की पावर टू की वैल्यू क्या आएगी, एक्स प्लस वाई इंटू में ये माइनस का दबा जाएगी प्लस कर दिए वाई की पावर टू की, मतलब एक्स की पावर टू की प्लेस पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू में प्लस वाई की पावर टू की क्या आ जाएगा इसके प्लेस पे, एक्स प्लस वाई इंटू एम प्लस वाई की पावर टू के, और पूरे की बाहर क्या आएगा पहली एक्स स्केयर माइनस वाई की पावर टू के इंटू में वाई स्केयर। इस एक्स की पावर टू के प्लेस पूरी वैल्यू आ गई एक्स स्केयर एज इट इज। अब मुझे इसको ऐसे सोल्व करने की मुझे इस पूरी स्टेटमेंट के बाहर क्या चाहिए, एक्स प्लस वाई चाहिए, तो मैंने क्या करूंगा इस एक्स के लिए मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स प्लस वाई इंटू में एम प्लस एक्स के को से मल्टीप्लाई करके आएगा एक्स की पावर वाई इंटू में वाई की पावर टू के, फिर माइनस वाई की पावर टू के इंटू में वाई स्केयर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू में एम प्लस क्या को मना रहा है इससे वाई की पावर टू के क्या रह जाएगा, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर क्या आएगा, एक्स प्लस वाई इंटू में वाई की पावर टू के, और ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला ए माइनस बी और ए प्लस बी क्लियर, यहां से हमने ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला आ गया ए माइनस बी ए प्लस बी। अब इस पूरी स्टेटमेंट से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस वाई, तो हमें वही चाहिए पूरी स्टेटमेंट के बाहर क्या आना चाहिए, एक्स प्लस वाई आना चाहिए क्या रहेगा अंदर एम प्लस ये स्टेटमेंट बाहर चली गई क्या आएगा वाई की पावर टू के इंटू में एक्स माइनस वाई, और एक्स प्लस वाई बाहर क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इज यूज्ड बाय एक्स प्लस वाई इफ इट इज मल्टीपल ऑफ एक्स प्लस वाई। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद हमने सेकंड स्टेप से एक्स की पावर टू की वैल्यू निकाल लो चाहे माइनस वाई की पावर टू की वैल्यू निकाल लो, मैंने क्या किया एक्स की पावर टू की वैल्यू निकाल ली माइनस का दबा जाके प्लस का होगा, तो मैंने इसके बेस पे क्या ये वैल्यू लग ली क्या लिखा यूजिंग स्टेप टू, सेकंड स्टेप पे यूज करके एक्स पावर टू की वैल्यू थी एक्स की रेसिडीज, फिर इस एक्स स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और यहां से हमने क्या कॉमन ले लिया वाई की पावर टू के, जो भी स्टेटमेंट है उसमें एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया उसके अकॉर्डिंग ये बंद रखी गई स्टेटमेंट एक्स प्लस वाई से डिवाइड होगी। ओके क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ एक्सरसाइज 4.1 स्टेप 1 क्या है, उसको टेन इक्वल टू वन क्या आएगा, थ्री की पावर टू एन के प्लेस पर बनाया अगर टू को टू से करेंगे तो क्या आएगा प्लस टू माइनस एट इंटू में वन माइनस नाइन, थ्री की पावर फोर माइनस एट माइनस नाइन, थ्री की पावर फोर क्या आएगा दैट इज एटी वन और माइनस सेवनटी, एटी वन माइनस सेवनटी कितना आएगा दैट इज सिक्सटी फोर और सिक्सटी फोर इंडिविजुअल बाय एट किससे डिवाइड हो रही है एट से डिवाइड हो रही है, उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करेंगे एन इज इक्वल टू के पुट कर देंगे क्या आएगा पी ऑफ एन इज इक्वल टू जो हमारी प्रिंसिपल स्टेटमेंट थी इसमें एन के प्लेस पे क्या आएगा, क्या आएगा थ्री पावर टू के प्लस टू माइनस एट के माइनस नाइन क्लियर, तो यहां से लेट कर लेंगे किससे डिवाइड हो रहा है एट से डिवाइड हो रहा है, तो क्या लिखेंगे एट एम लिख देंगे जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में भी करा है। अब इसको करने के लिए हम फर्स्ट स्टेप के अंदर यूज करेंगे स्टेप थ्री क्या आएगा पुट एन इक्वल टू के प्लस वन क्या आएगा थ्री की पावर टू एन के प्लेस पे क्या आएगा के प्लस वन माइनस एट एन के प्लेस पे क्या आएगा के प्लस वन माइनस नाइन। अब इसको हमने ऐसे सॉल्व करने की इसकी इसकी वैल्यू यूज करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं क्या आएगा थ्री की पावर टू मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आएगा टू के प्लस टू प्लस वन और यहां से क्या आएगा माइनस एट के माइनस एट माइनस नाइन, इस माइनस एट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया छह के साथ वन के साथ, हम इस पैसे सोल्व करने के स्टेप का हमने यूज करना है तो हम क्या करेंगे यहां से ना माइनस एट के माइनस नाइन की वैल्यू निकाल लेते हैं देखते क्या आएंगे, या फिर थ्री की पावर टू के प्लस टू की वैल्यू निकालो थ्री की पावर टू के प्लस टू की वैल्यू निकाल लेते हैं क्या आएगी एट एन ये माइनस का एट के ना मान जाएंगे प्लस का एट हो जाएगा ये माइनस का नाइन दबा जाएंगे प्लस का नाइन आ जाएगा ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो इसको सोल्व करने क्या आएगा थ्री की पावर टू के प्लस टू इंटू में थ्री की पावर वन माइनस एट के माइनस एट माइनस नाइन माइनस सेवनटीन, थ्री की पावर टू के प्लस टू के प्लेस पे क्या आ जाएगा हमारा एट एन प्लस एट के प्लस नाइन इंटू में क्या आएगा थ्री आ जाएगा और यहां से क्या आएगा माइनस एट के माइनस
17। मैंने क्या किया, 3 पावर 2 के प्लस 2 की वैल्यू निकाली है, यहां से क्या है कि 8 है, माइनस का 8 किया मान लेंगे प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा प्लस का 9 आ जाएगा, तो 3 पावर 2 के प्लस 2 के प्ले 3 पावर 2 के प्लस 2 को यहां ब्रेक कर दी मैंने, 3 की पावर 2 के प्लस 2 * 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 के प्लस 2 की वैल्यू हो गई यहां पे, और 3 इज इट इस 3 को मल्टीप्लाई करने क्या आएगा 24 है प्लस 24 के प्लस 3 9 = 27 माइनस 8 के माइनस 17, तो यहां से देखते क्या आएगा 24 है प्लस 24 के माइनस 8 के कितना आ जाएगा दैट इज 16 के, और यहां से हमारा ये आएगा 27 माइनस 17 कितना आ जाएगा प्लस का 10 आ जाएगा, हमें क्या चाहिए बस 8 चाहिए, तो कहीं ना कहीं इससे कोई देखते चेक करते हैं n के प्लेस में क्या पुट किया k प्लस 1 पुट किया 3 की पावर 2 n के प्लेस में क्या आएगा k प्लस 1, और यहां पे 2 था हमने यहां पे क्या लिख दिया मैंने लिख दिया यहां पे 2 आ जाएगा और यहां पे भी क्या आएगा 2 आएगा, 3 का स्क्वायर क्या आएगा दैट इज 9 आ जाएगा, इस 9 को हमने मल्टीप्लाई करना है अगले स्टेटमेंट के साथ, क्या जाएगा देखते हैं, जब 9 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा दैट इज 72 है प्लस 72 के, और 9 को 9 से करेंगे आएगा 81 आ जाएगा, और क्या आएगा 72 है प्लस 72 के माइनस 80 कितना आ जाएगा 64 के, और 81 माइनस 17 कितना आ जाएगा दैट इज 64 आ जाएगा, अब हमें बाहर क्या चाहिए था 8 चाहिए था 8 कॉमन ले लेंगे यहां से क्या आएगा 9 है प्लस 8 के प्लस 8, और हमें ये शो करना था कि ये स्टेटमेंट किसका मल्टीपल है ये किसका डिविजिबल है 8 का, हमें किसी भी तरह बाहर 8 चाहिए था, हमने ये क्या एंटर प्लेस पे k प्लस 1 पुट किया तो क्या आएगा 2 k प्लस 1, और यहां पे 2 था तो यहां पे 2 ऐड कर दिया हमने, पहले भी 1 राइट किया था मिस्टेक से हो गई थी, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 को k प्लस 1 से किया 2 k प्लस 2 आ गया और यहां पे 2 आ गया, इसको हमने ब्रेक कर दिया 3 की पावर 2 k प्लस 2 अलग लिख दिया और 3 की पावर 2 अलग लिख दिया, ये ऐसा ही तरह के सेकंड स्टेप का यूज कर सकते हैं यूजिंग स्टेप 2, और 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9 आ गया, इस 9 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद हमने देखा कि बाहर क्या आ रहा है 8 आ रहा है और 8 का इंडिकेट कर रहा है कि ये 8 से डिवाइड कर रहा है।